अस्सलामुअलैकुम। तहरीके लबैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान को मेरा ये पैगाम है कि अल्लामा फ़ारूक़ुल हसन चौहान, जो कि तहरीके लबैक पाकिस्तान के शूरा के अहम रुकन हैं और ख़तीब पाकिस्तान और सरमाया अहले सुन्नत हैं, उन्हें आज सुबह कामोखी से उनकी रिहाइश गाह से गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ़्तारी ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के तमाम शोरा को एक दफ़ा फिर मुतहर्रिक कर दिया है और उनकी गिरफ़्तारी ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत से सवालात उठा दिए हैं। समझ से बालातर है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करना चाह रही है। अल्लामा फ़ारूक़ुल हसन चौहान साहब की गिरफ़्तारी, जो कि अब तहरीक का काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी गिरफ़्तारी की वजह अभी तक बयान नहीं की गई, ठीक है, और ना ही उन्हें अभी तक जो है वो किसी तरह की जो चार्जशीट जो है वो मुहैया की गई है। उसके अलावा जो दूसरी खबर है वो ये है कि दूसरे जो शूरा के रुकन हैं उन्हें भी गिरफ़्तार करने की जो है वो ख़बरें मौसूल हो रही हैं, लेकिन उनके अंदर अभी तक सदाकत के जो इम्कानात हैं वो कम हैं। लेकिन अल्लामा फ़ारूक़ुल हसन चौहान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो कामोखी से उनकी रिहाइश गाह से हो चुकी है। तमाम ज़िम्मेदारान कारकुनान तहरीक लबैक पाकिस्तान से दुआ की अपील है।